चलिए बच्चों, फिर ये दूसरा राउंड आपके सामने है कॉमन एरर्स पर। पहला राउंड आपको दिया जा चुका है जिसमें 10 क्वेश्चन थे, आपने सॉल्व किए होंगे, और ये दूसरा राउंड है जिसमें फिर से आपको 10 प्रश्न दिए गए हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस पेपर से दिए जा रहे हैं जो आपकी बहुत ही काम आएंगे अगर आप इनको मेहनत करके सॉल्व करते हैं। इस ये जो सारे क्वेश्चन है आपको एक एक मिनट के सारे क्वेश्चन हैं, इनके आगे इनके आंसर्स दिए गए हैं और फिर उनको एक्सप्लेन करके समझाया गया है कि किस तरीके से वो आंसर्स आपने फाइंड आउट किया, ठीक है। ये सारी चीजें आपको कॉमन एरर्स में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में और भी जगह पे आपको सेंटेंस फिलर्स वगैरह में आपके काम आएंगे। आपको बस इतना करना है कि अगर आप ये चाहते हो कि आगे बेहतर मार्किंग करनी हो, बेहतर स्कोरिंग करनी हो, तो इन सारे प्रश्नों को एक एक करके आप सॉल्व करें ताकि आप इन्हें बेहतर तरीके से समझ सके। चलिए शुरू करते हैं सारे क्वेश्चंस एक एक करके। Thank you.
Thank you.
चलिए बच्चों, फिर ये आंसर्स आपके सामने आपको दिए गए हैं, इन सारे आंसर्स को आप मिला लें और ये चेक कर लें कि आपकी पोजीशन आपकी क्या बन रही है, ठीक है। और इन सारे क्वेश्चंस के मैंने एक्सप्लेनेशन भी आगे आपको दिए हैं, इन सारे एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखें और फिर ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि आखिर कहाँ पे गलती थी और क्यों थी। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, द स्टेट्समैन, यहां जो स्टेट्समैन का एस है वो कैपिटल होगा क्योंकि एक न्यूज़पेपर का नाम है ये। तो द स्टेट्समैन हैज द लार्जर सर्कुलेशन ऑफ ऑल इंग्लिश डेलीज। सबसे पहली चीज, द स्टेट्समैन हैज द दिया गया है और यहां पे लार्जर सर्कुलेशन दिया गया है और फिर है ऑफ ऑल इंग्लिश डेलीज। ये ऑफ ऑल इंग्लिश डेलीज कह रहा है कि जितने भी दैनिक पेपर्स निकलते हैं, मीन्स प्रतिदिन जो पेपर्स इंग्लिश के निकलते हैं, उनमें इसका लार्जर सर्कुलेशन है। ये कंपैरिजन नहीं है, ये दिखाया जा रहा है कि जितने भी इंग्लिश डेलीज निकलते हैं उनमें द स्टेट्समैन जो है वो लार्जर सर्कुलेशन दिया गया है। दूसरा एक क्लू आपके पास है कि लार्जर के पहले उन्होंने द लगाया है, इट मीन्स आप समझ सकते हैं ऑफ ऑल स्ट्रक्चर यहां पर है और इफ इस ऑफ ऑल स्ट्रक्चर में वो सर्वश्रेष्ठ सबसे अधिक को शो करेंगे, न कि कहीं कंपैरिजन की भावना है। तो ये जो लार्जर यहां पे है ये ऑफ ऑल इंग्लिश डेलीज की वजह से लार्जर नहीं लार्जेस्ट हो जाएगा और यहां द क्लू भी आपके पास था। तो द स्टेट्समैन हैज द लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ ऑल इंग्लिश डेलीज हो जाएगा, यानी आपका जो एरर पॉइंट है वो बी पोर्शन है, बी में होगा लार्जेस्ट सर्कुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई एम वेरी एंग्सस टू नो हाउ आर यू एंड मदर आर डूइंग। पहले आप ध्यान से देखें, लास्ट में फुल स्टॉप है तो यहां कोई क्वेश्चन तो किया नहीं गया है और हमारा जो क्वेश्चन है, आई एम वेरी एंग्सस, मैं बहुत चिंतित हूं व्यग्र हूं, टू नो यह जानने के लिए कि हाउ आर यू कि आप कैसे हो एंड मदर आर डूइंग यानी आप और आपकी माता जी क्या कर रही, कैसे चल रही, किस तरीके से हैं। तो आई एम वेरी एंग्सस टू नो सही है, कोई एरर नहीं यहां पे। हाउ आर यू डब्ल्यू एच के बाद आपको आर दिया गया है और इसके बाद फिर यू है, यानी यह इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है जबकि सेंटेंस हमारा क्या है, असर्टिव है, साधारण वाक्य अफर्मेटिव है। तो जो हाउ के बाद आर है ये आर आप गलत स्थान पर रखे हुए हैं, ये आर यहां ना होकर के ये आर यू के बाद होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी, यहां पे फिर है आप पे एंड मदर आर डूइंग, एंड के पहले यू है और फिर एंड के बाद मदर है और फिर इन दोनों के लिए आर यहां लिया गया है। तो आप सोच के देखें यहां पे आर की कोई आवश्यकता ही नहीं, बाद में रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। वाक्य का स्ट्रक्चर क्या रहा होगा, आई एम वेरी एंग्सस टू नो हाउ यू एंड मदर आर डूइंग, यानी आर यहां से हटा दें, ये अनावश्यक है, कोई मतलब नहीं यहां पे है। सेंटेंस हो जाएगा आई एम वेरी एंग्सस टू नो हाउ यू एंड मदर आर डूइंग, यानी जो एरर पोर्शन आपका है वो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, द ट्रिक इज डिफिकल्ट, यानी जो यात्रा है वो कठिन है बट इट इज फार वर्थ द एंडेवर। कहीं आपको फार याद है ना, फार वहां प्रयोग करते हैं जहां पे उसके बाद कोई कंपेरेटिव डिग्री होता है, फार वर्थ पहली चीज, यहां वर्थ कंपेरेटिव नहीं है। दूसरा, द एंडेवर यहां पे पॉजिटिव सेंस है और यहां फार की कोई जरूरत नहीं है आपको, है अगर आपको लगाना हो तो फार के स्थान पर क्या लगा लें, वेल, यानी पॉजिटिव डिग्री ले लें। तो द ट्रिक इज डिफिकल्ट बट इट इज वेल वर्थ द एंडेवर, यानी हमारा जो प्रयास है उसके बिल्कुल उसके बराबर है, उसकी जो कीमत है, मतलब जो एक वर्थ है उसकी, उसके समान है, बेहतर है वो। तो द ट्रिक इज डिफिकल्ट सही है यहां पे वाक्य आपका, और बट इट इज फार वर्थ जो है आपका वो फार वर्थ न होकर के ये इट इज वेल वर्थ हो जाएगा। तो
तो द ट्रैक इज डिफिकल्ट बट इट इज वेल वर्थ द एंडेवर. कंपेरेटिव लेने की कोई जरूरत नहीं है, वेल ले लें, वेल वर्थ हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट मैन कैन डाई बेटर देन सर्विंग हिज कंट्री. सबसे पहले देखें लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क, ये आपसे कुछ कह रहा है कि सेंटेंस हमारा स्ट्रक्चर जो है वो इंटरोगेटिव का है, लेकिन जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो डब्ल्यू एच के बाद मैन का है, गलत है ना. तो यहां सबसे पहली चीज हम समझें कि मैन जो है वह कैन के पहले नहीं, कैन मैन के पहले आना चाहिए. यानी जो सेंटेंस हमारा है यहां पे वो हमारा ये जो कैन है ये मैन के पहले आ जाएगा, हो जाएगा व्हाट कैन मैन डाई. दूसरी चीज है ये सेंटेंस अजीब नहीं, व्हाट मैन कैन डाई बेटर देन सर्विंग हिज कंट्री. क्या यहां वास्तव में वाट की जरूरत है क्या? हाउ कैन अ मैन डाई होना चाहिए था, इस वाट के स्थान पे वाट न होकर के हाउ आपको ले लेना चाहिए. तो अब स्ट्रक्चर हो जाएगा हाउ कैन, और यहां मैन के पहले ए लगा सकते हैं आप, हाउ कैन अ मैन डाई, एक आदमी कैसे मर सकता है बेटर, बेहतर तरीके से देन सर्विंग हिज कंट्री, अपने देश की सेवा करने की अपेक्षा. अगर मुझे सेंटेंस बनाना होता तो मैं सेंटेंस शायद ये बना देता, व्हाट को व्हाट ही रखता और व्हाट कैन अ मैन और डाई के स्थान पे क्या ले लेता, मैं डू ले लेता. यानी व्हाट कैन अ मैन डू बेटर देन सर्विंग हिज कंट्री, अपने देश की सेवा करने से अधिक से बेहतर एक व्यक्ति और क्या कर सकता है, ये ज्यादा अच्छा होता. लेकिन एसएससी ने माना है कि आप व्हाट न लेकर हाउ ले लें और जो कैन है उसे पहले ले लें आप. तो हाउ कैन अ मैन डाई बेटर देन सर्विंग हिज कंट्री हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द टीचर प्रिवेंटेड द बॉयज टू गो देयर. आप हमेशा याद कर लें, दिमाग में बैठा लें कि प्रिवेंट एक ऐसी वर्ब है जो हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लेती है. तो जो टू गो आपका है ये फ्रॉम हो जाएगा, और आपको पता ही होगा कि जब आप फ्रॉम ले लेंगे तो यह फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद कभी भी मेन वर्ब नहीं आ सकती है, उस वर्ब को नाउन बनना होगा. और एक वर्ब के नाउन बनने का तरीका आप तो याद ही होगा आपको कि आपको जेरंड बनाना होगा. तो जब आप टू को फ्रॉम में बदलेंगे तो गो आपका गोइंग हो जाएगा. तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा द टीचर प्रिवेंटेड द बॉयज फ्रॉम गोइंग देयर हो जाएगा. यानी टू गो देयर जो है वो फ्रॉम गोइंग देयर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लीडर विद ऑल हिज फॉलोअर्स आर सेंट टू प्रिजन. ठीक है, जो भी बच्चे कोचिंग करते हैं, मेहनत करते हैं, हर एक टीचर उन्हें बताते हैं कि यदि दो सब्जेक्ट्स, ये द लीडर है और फिर ये ऑल हिज फॉलोअर्स हैं, ठीक है, अगर ये दो सब्जेक्ट्स विद से जुड़े हों, एलॉन्ग विद से जुड़े हों, टुगेदर विद से जुड़े हों, बिसाइड्स से जुड़े हों, या फिर एज वेल एज से जुड़े हों, इंक्लूडिंग से जुड़े हों, एक्सक्लूडिंग से जुड़े हों, एंड नॉट से जुड़े हों, इन एडिशन टू से जुड़े हों, गवर्न बाई से जुड़े हों, लेड बाई से जुड़े हों, ऑर्गेनाइज्ड बाई से जुड़े हों, कंट्रोल्ड बाई से जुड़े हों, ये सारे ऐसे शब्द हैं जो जब दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं तो फिर हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आपको अपनी वर्ब और प्रोनाउन तय करना होता है. तो अगर आप इस वाक्य को ध्यान से देखेंगे तो द लीडर विद ऑल हिज फॉलोअर्स, यानी हमारा सब्जेक्ट है मूलतः ऑल हिज फॉलोअर्स नहीं है, हमारा सब्जेक्ट जो है वो ये द लीडर है. अगर द लीडर सब्जेक्ट है तो आप जो वर्ब होगी वो सिंगुलर लेंगे ना, द लीडर सिंगुलर है तो आर कैसे हो जाएगा, इज हो जाएगा. तो ध्यान दें, द लीडर विद ऑल हिज फॉलोअर्स इज सेंट टू प्रिजन हो जाएगा, यानी अपने समर्थकों के साथ साथ वह लीडर भी इज सेंट टू प्रिजन, कहां भेजा जा रहा है, प्रिजन भेजा जा रहा है. तो आर जो है वो इज हो जाएगा, न कि आर होगा, ये इसका रिलेशन द लीडर से होगा आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डू यू नो हुम द नेक्स्ट स्पीकर इज. ध्यान देखें, ये एक क्लास है आपकी, डू यू नो, फिर है हुम द नेक्स्ट स्पीकर इज, ये आपकी एक क्लास है. क्या एक क्लास का जो सब्जेक्ट है वो हुम हो सकता है? नहीं ना. ये हुम कब होता, यदि डू यू नो एक होता और अलग से हमारे पास एक सब्जेक्ट होता तब यहां हुम ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती,
लेकिन whom ही तो यहां सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो सब्जेक्टिव केस whom नहीं होता है, who होता है। यहां वाक्य हो जाएगा आपका Do you know who the next speaker is? ध्यान रखिएगा, एक एरर ये भी हो सकती थी जो एग्जाम्स में अक्सर दी जाती है, ऐसे दे देते Who is the next speaker? तो जब आप साधारण बनाएंगे तो who the next speaker is हो जाता। तो ऑलरेडी यहां सही है, हमारे एरर पॉइंट कहां है, जो whom है वो who हो जाएगा, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की नहीं सब्जेक्ट की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, He is having an attack of fever every day for the last few days. शायद आपको याद हो कि जो having है वो एक ऐसी verb है जो verb एक अवस्था प्रदर्शित करने के लिए ing form नहीं लेती है। यदि आप स्नान करने की बात करें, यदि आप भोजन करने की बात करें, यदि आप देखने की बात करें, तो उस सेंस में have का प्रयोग आप ing के सेंस में करते हैं। लेकिन अगर हैव का प्रयोग हम होने के सेंस में करते हैं तो फिर वहां पे आप कभी भी हैविंग का प्रयोग हैविंग न करके हैव हैज हैड के रूप में करते हैं। अब एक चीज और है, अब यहां ही इज हैविंग है, क्योंकि हैविंग लिया गया था इसलिए इज लिया गया, लेकिन यहां ही इज हैज तो लेंगे नहीं आप, तो आपको एक चीज समझना होगा, आपको जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया गया है तो वैसे भी गलत है, क्योंकि फॉर द लास्ट फ्यू डेज यहां दिया गया है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाना था, लेकिन हैविंग का प्रयोग आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर नहीं सकते हैं, तो आपको उसके पास प्रेजेंट परफेक्ट में आना है। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट में आना है तो जहां ही इज हैविंग है वहां पे ही इज हैविंग ना होकर के वहां पर ही हैज हेल्पिंग वर्ब लेंगे आप। जब ही हैज लेंगे तो हैविंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हैड, तो हो जाएगा ही हैज हैड एन अटैक, यानी उसे अटैक होता रहा है किससे, इसका फीवर का, एवरी डे प्रतिदिन, और कब से होता रहा है, फॉर द लास्ट फ्यू डेज, यानी पिछले कुछ दिनों से। तो आप दो तरीका, पहला है आप करें किताब के अनुसार ही हैज एन अटैक, लेकिन दूसरा है ही हैज हैड एन अटैक ऑफ फीवर एवरी डे फॉर द लास्ट फ्यू डेज हो जाएगा। चलिए सेकेंड लास्ट है आपका, If the farmer got a washing machine, his wife can do the laundry. आपको conditional sentence भी याद होगा और आपको ये भी याद होगा sequence of tense क्या होता है। ये वाक्य है If the farmer got a washing machine, past tense है ना, तो फिर दूसरी क्लास जो है वो भी आपकी past हो जाएगी, तो जो can है वो क्या हो जाएगा, could हो जाएगा। और आपको रूल भी याद होगा कि इफ क्लास अगर पास्ट इंडेफिनिट होती है तो दूसरी क्लास में हम कुड वुड या माइट का प्रयोग करते हैं, तो यहां कैन ना होकर के कुड हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा इफ द फार्मर गॉट अ वॉशिंग मशीन हिज वाइफ कुड डू द लॉन्ड्री क्विकली। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है, दे हैड ऑफन हियर्ड अबाउट द शिप दे हैव टू ट्रेवल ऑन। एक्चुअली यहां आपको लगेगा कि सेंटेंस गलत है, ये पहली क्लास दे हैड ऑफन हियर्ड अबाउट द शिप और दे हैव कैसे हो जाएगा, यहां दे हैड होना चाहिए था या ट्रेवल को ट्रेवल बना देते, मैं भी ऐसा ही सोचता हूं, लेकिन आपको एक चीज समझना होगा, ये इस समय प्रेजेंट कंडीशन आपको दिखाई जा रही है दे हैव टू ट्रेवल ऑन, यानी जिस शिप पर उन्हें यात्रा करनी है उस शिप के बारे में दे हैड ऑफन हियर्ड, उन्होंने अक्सर क्या किया था, सुना था, से मानता है कि यहां पे नो एरर है, कोई एरर नहीं। देखिए जो आप बेहतर कर सकते हैं वो ये है कि उन्हें दे हैड नहीं लेना चाहिए था, उन्हें लेना चाहिए था दे ऑफन हियर्ड अबाउट द शिप दे हैव टू ट्रेवल ऑन। फिलहाल यहां कोई एरर नहीं आपका है, नो एरर हो जाएगा यहां पे। तो 10 क्वेश्चन हैं जिनके एक्सप्लेनेशन हैं, अगर आप इनको बेहतर तरीके से तैयार करते हैं तो हर हाल में चीजें आपके काम आएंगे, ठीक है। और जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा, आपका सहयोग अपेक्षित है और हम लोग मेहनत कर रहे हैं ताकि ये चीज़ें आपके हमेशा काम आएँ। ये अलग अलग सेगमेंट्स में आप मेहनत करें, जैसे एक कॉमन एरर्स का सेगमेंट है, इसे हर एक सेगमेंट हर एक पार्ट राउंड जो दिया गया है उसे तैयार करते जाएँ। प्रीपोजिशंस के कई सारे पार्ट्स मैंने डाले हुए हैं उन्हें तैयार करते जाएँ, MB के 9 सेट पढ़ चुके हैं उन्हें तैयार करते जाएँ, अन्य चीज़ों पर टेंस पे इन्वर्जन पे कंडीशनल पे कॉस्टिव पे इन सब पे वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, आप उन्हें तैयार करते जाएंगे तो जो आगे आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें निश्चित ही आपको मदद मिलेगी।
अपेक्षा ही नहीं विश्वास है कि आप ये चीज़ें शेयर करते रहेंगे, अन्य बच्चों को बताते रहेंगे, ताकि बहुत अधिक से अधिक बच्चे इन चीज़ों का लाभ ले सकें। थैंक यू, गुड नाइट।